नमस्कार, मैं हूं अजमल खान। आप देख रहे हैं AIN न्यूज। AIN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेज और तर्रार और नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य महाराष्ट्र से है कि तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। 95 में मस्जिद और मदरसों को परमिशन दी गई थी बढ़ाने की। आज तकरीबन 26 साल का अरसा गुजर चुका है। जो परमिशन 26 साल पहले मिली थी वो आज तक ऐसी की ऐसी है। देखिए अब 26 साल में कहां से कहां तक पहुंच गया, आबादी कितनी बढ़ गई, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, बल्कि साहिब औलाद हो गए। तो अब आबादी बढ़ रही है, तो आबादी के एतबार से हुकूमत को चाहिए कि हमें इसका परमिशन दे कि हम अपनी मस्जिदों को बढ़ाएं और मदरसों को बढ़ाएं। जो मदरसों के नाम रजिस्ट्रेशन है, चूँकि वहाँ हमारा दीनी तालीम भी होती है और भी तालीम होती है, उसके साथ साथ नमाज भी पढ़ी जाती है। तो अगर कहीं इस तरह का मामला है जहाँ ज़रूरत है, तो हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए कि भाई रोड पे नमाज ना पढ़ें। जब एक तरफ हम ताउन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत का भी कभी फ़र्ज़ बनता है कि वह हमारी आबादी के एतबार से हमें रियायत दे और हमें मस्जिदों को और अपने मदरसों को ऊपर बढ़ाने की परमिशन दे। चुके परमिशन दे के तकरीबन 26 साल हो गए। उस जमाने में भी शिवसेना की हुकूमत थी और आज भी शिवसेना और NCP कांग्रेस ये तमाम पार्टियां मिलकर के हुकूमत चला रही हैं और अच्छी हुकूमत चला रही है। तो बहरहाल हमें उम्मीद है, हमने इस बात को आगे बढ़ाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वजीर आला और हाउसिंग मिनिस्टर साहब जो हैं और कांग्रेस के जो सदर हैं नाना पटोले साहब, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि भाई अगर आप हमें रोड से रोकना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि हमें परमिशन दीजिए ताकि कोई मसला पैदा ना हो। तो बहुत ज़माना हो गया परमिशन दे करके। तो अब जहां सात सात माले की 26-27 साल पहले बिल्डिंगें बनती थी, आज वहां 20-20, 25-25, 30-30 माले की बिल्डिंगें बन रही है। तो जब बिल्डिंगों के रिहाइश क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो अब उनकी रिहाइश के लिए हम लोग यानी बिल्डिंगों को FSI दे रहे हैं और 25-25, 30-30 मालों की बिल्डिंगें बन रही है। तो जाहिर बात है कि मस्जिदों को भी और मदरसों को भी हमें FSI देना चाहिए ताकि लोग इत्मीनान के साथ सुकून से के साथ अपनी इबादत कर सकें। हजरत, अब मस्जिद और मदरसे वालों के लिए क्या मशवरा दोगे? भाई मस्जिद की कमेटियों को, कमेटी वालों को और जो मदरसे की कमेटियां हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है, दीनी काम होता है, बहरहाल उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने कागजात को सही करें, अपने कागजात को सही करके और फिर जो FSI लेने का जो सिलसिला है उसमें आगे बढ़ें। अपने हलके में जो वार्ड ऑफिसर हैं या जो जिम्मेदार हैं तो उस एतबार से उन तक अपनी बात को पहुँचाएँ कि भाई हमारी मस्जिद में हमारे यहाँ जगह तंग पड़ रही है और कई कई मरतबा नमाजें पढ़नी पड़ रही है, जो कि आगे रमज़ान भी अभी सर पे आ रहा है। तो अगर हुकूमत हमें नमाज पढ़ने से रोक रही है तो कितनी मरतबा हम नमाज पढ़ेंगे? तो लिहाजा हमारे लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि हम 2 मंजिल की अगर जगह है तो उसको हम 3 मंजिल 4 मंजिल करें, या जहाँ और थोड़ी इसी जगह है तो उसको और बढ़ावें। तो बहरहाल इसके लिए वो अपने कागजात को सही करें और जब उनके कागजात सही होंगे तो हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत से बात की जाए और जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं हमारे, हम उनके तक अपनी बात पहुंचाएं और वो फिर हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और जब पहुंचाएंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई ना कोई इसका जो है हल निकलेगा, कोई ना कोई समाधान निकलेगा इसका। हुकूमत गौर करेगी जिस तरह पहले किया था, तो उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आइंदा गौर करेगी हमारी बात पर। तो आपको शिवसेना से कुछ उम्मीद है आपको कि शिवसेना आपको कॉपरेट करेगी इस मसले में? नहीं, 95 में शिवसेना की तो हुकूमत थी, जब परमिशन दिया गया था 95 में भी यही हुकूमत थी और अब तो उद्धव जी खुद चीफ मिनिस्टर हैं, जो शिवसेना की कमान भी उन्हीं के हाथ में और खुद चीफ मिनिस्टर भी है। तो मैं उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने 95 में हमारी बात को सुना था, हमारे लोगों की बात को सुना था, तो अब वो दोबारा फिर हमारे लोगों की बात को सुन करके और अपना दिल बड़ा करके हमें परमिशन दे इस बात की, ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कुछ आप कहना चाहोगे? सब क्या कहें, और यही बात है, मुसलमानों से अपील है कि वो अमन अमान बरकरार रखें, कहीं भी इस तरह का कोई मसला होता है तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र से काम लें, क्योंकि हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि हम सब्र को ना छोड़ें और सब्र के दामन को पकड़ कर रखें। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
चलिए हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे गुफ्तगू की।